बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू गाइडन चैन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा जी, क्लास सिक्स में आपकी उर्दू की टीचर हिना बीबी हूँ और आज मैं नए सबक के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज का जो हमारा मौजू है, यानी जो हम सबक पढ़ेंगे, वो है वादिय ज़ियारत। ठीक है, वादिय ज़ियारत के बारे में हम पढ़ेंगे और ये हिस्सा अदब में से है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। वादिये ज़ियारत, वादी कहा जाता है बच्चों ऐसे ऐसी जगह को कि जो दो जो पहाड़ों के दरमियान गिरी हुई हो। ठीक है, यानी उसके आस पास पहाड़ हो और वो दरमियान में हो, तो उसे वादी कहा जाता है। और ज़ियारत बलूचिस्तान की एक शहर का नाम है। बलूचिस्तान के एक शहर का नाम है, जैसे सूबा सिंध के शहर का नाम क्या है, कराची है, हैदराबाद है, तो इसी तरीके से बलूचिस्तान का एक शहर है ज़ियारत। तो वादिय ज़ियारत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हासिलाते ताल्लुम, हासिलाते ताल्लुम का मतलब ये है कि हम ये पढ़ने के बाद हमें क्या चीज़ हासिल होगी, हमें किस चीज़ की एबिलिटी बढ़ेगी। तो इस सबक की तदरीस के बाद तलबा पाकिस्तान के इलाकों के बारे में जान सकेंगे। आप ये ज़ियारत क्या है, एक इलाके का नाम है। ठीक है, एक शहर का नाम है, तो हम शहर के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद किसी तफरीही मकाम के बारे में हम 10 जुमले लिख सकते हैं कि हम जब ये पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम 10 जुमले कैसे लिख सकेंगे। इसमें नकरा की शनाख्त करेंगे और नए अल्फाज के मायने बताएंगे। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है, मगर रकबे के लिहाज से तमाम सूबों से बड़ा है। सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, जिनमें से एक सूबा बलूचिस्तान है। आबादी के लिहाज से, यानी कि वहाँ जो लोग रहते हैं, उन लोगों के एतबार से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है, यानी वहाँ पर बहुत कम आबादी है। लेकिन रकबे के लिहाज से, कि वह तूलो अर्ज के एतबार से कि वो कितना बड़ा और कितना लंबा है, उसके लिहाज से वो सूबों में सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। यहाँ मादनिया से माला माल पहाड़ हैं। मादनिया से माला माल पहाड़ का क्या मतलब है बच्चों, कि यानी वो चीज़ें कि जो ज़मीन से निकलती हैं, जैसे कि पहाड़, वहाँ पहाड़ हैं, नमक की काने हैं, मतलब नमक निकलता है वहाँ के पहाड़ों से, नमक निकलता है। ठीक है, और इसी तरीके से गैस जो है वो हमारे सूबा बलूचिस्तान से निकलती है, ये जो हम जिसपे पकाते हैं, खाना बनाते हैं और ये सब काम करते हैं, तो ये हमें मिलती है सूबा बलूचिस्तान से। ठीक है, वसी रेगिस्तान और जरखेज मैदान है। रेगिस्तान किस जगह को कहा जाता है, ऐसी जगह को कहा जाता है, मगर मतलब रेगिस्तान जो है वो बड़ी रेतीली ज़मीन होती है। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत होती है, रेतीली ज़मीन को कहा जाता है। और जरखेज मैदान है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सारी ज़मीन जो है वो उसकी रेतीली है और उस पर कोई चीज़ उग नहीं सकती, बल्कि जरखेज मैदान भी हैं कि जहाँ पर बहुत से फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं, जा सकती हैं। यहाँ के लोग चारों मौसमों से लुत्फानंदोज होते हैं। चारों मौसम से मतलब क्या है कि यहाँ सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बहार, खिजां, हर तरह के मौसम आते हैं, यानी हर तरह के मौसम से लुत्फानंदोज होते हैं। जैसे कि आप कराची के बारे में देखें तो यहाँ पे या तो सिर्फ गर्मी, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है, और या फिर सर्दी थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती। फिर भी सूबे के बाज हिस्सों में शदीद गर्मी पड़ती है, तो बाज हिस्से सर्दियों में बर्फ से ढक जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोयटा में जब बर्फबारी होती है तो कराची में भी ठंडी हवाएं आती हैं कोयटा से, तो कराची में थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है। तो इसलिए उसके कुछ इलाके, जैसे रेगिस्तानी इलाके जो है वहाँ पर, मैदानी इलाके जो है वहाँ शदीद गर्मी भी पड़ती है, लेकिन कुछ हिस्से जैसे पहाड़ी इलाके जो है वहाँ पर बर्फबारी भी होती है। मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में पानी की किल्लत है, यानी अगर देखा जाए तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, रेगिस्तानी इलाका ज़्यादा है वहाँ का, मगर जहाँ जहाँ पानी मैसर है वहाँ कुदरत और मेहनती लोगों ने ज़मीन को जन्नत का नमूना बना दिया है। यानी जो ज़मीन में ज़मीन ज़रखेज़ होती है वो किस वजह से होती है, पानी की वजह से होती है, कि वहाँ पर हम बहुत सी चीज़ें उगा सकते हैं, हम फल उगा सकते हैं, हम फूल पौधे हर चीज़ हम वहाँ पर उगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस लिहाज से बलूचिस्तान में पानी की किल्लत है, यानी पाकिस्तान पानी की कमी है, लेकिन जहाँ जहाँ पर पानी मौजूद है, मैसर है का मतलब ये कि मौजूद है, वहाँ के लोग मेहनती हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से बागात लगाए हुए हैं, फलों के, सब्जियों के बागात हैं वहाँ पर।
बलूचिस्तान में कई खूबसूरत वादियां हैं, जिनमें एक वादी ज़ियारत भी है। ज़ियारत की वादी अपने कुदरती हुस्न और खुद जायका फलों की पैदावार के लिहाज से सरे फहरिस्त है। यानी वो बहुत खूबसूरत वादी है, ठीक है। जैसे कि आपको ये घर नजर आ रहा है, ये कायद आजम रेजिडेंसी है और उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात जो है वो यहाँ पर गुजारे थे। और ये बर्फ से ढकी होती है और खुश जायका फलों की पैदावार भी है, यानी वहाँ पर फल भी पैदा होते हैं। ज़ियारत बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा से 133 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि सतह समंदर से 8,500 फुट की बुलंदी पर है। ज़ियारत बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा, यानी बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? क्वेटा है। और सूबा सिंध का दारुल हुकूमत क्या कौन सा है? सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है कराची। तो इसी तरीके से बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत हो गया जी क्वेटा, और वो क्वेटा से 133 किलोमीटर यानी 135 किलोमीटर के फासले पर है। और सतह समंदर, यानी सतह समंदर जमीन समंदर को कहा जाता है, और समंदर से वो ऊंचा कितना है, कितनी बुलंदी पर है? 8,000 फीट की बुलंदी पर है वो। ज़ियारत की आबो हवा बहुत खुशगवार है। खुशगवार है यानी वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वहाँ का वेदर है, वो बहुत ज्यादा खुशगवार है। यहाँ सनोवर के कदीम तरीन जंगलात पाए जाते हैं। सनोवर दरख्त को कहा जाता है, ठीक है। और वहाँ पर सनोवर के दरख्त पाए जाते हैं। सनोवर की खास किस्म के ये दरख्त वादी ज़ियारत की पहचान बन गए हैं। इन दरख्तों की लकड़ी से कई चीजों के अलावा पेंसिलें भी तैयार की जाती हैं। पेंसिल लकड़ी की होती है और वो सनोवर के दरख्तों से ज्यादा तैयार की जाती है। ज़ियारत शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर मुल्ला ताहिर खरवारी बाबा की दरगाह है। इन्हीं बुजुर्ग की निस्बत से ये मकाम ज़ियारत के नाम से मशहूर हुआ, यानी वहां पर लोग ज़ियारत करने के लिए आते थे। उस दरगाह में, मुल्ला ताहिर खरवारी बाबा की दरगाह पर लोग ज़ियारत करने के लिए आते थे, तो इसलिए ये ज़ियारत के नाम से मशहूर हुआ। ये ज़ियारत है वो, ठीक है, यानी ये वाली दरगाह है। ज़ियारत को ये एजाज हासिल है कि यहाँ बाबाए कौम हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे, यानी आखिरी दिन गुजारे। वहां पर ये कायद आजम रेजिडेंसी है, यहाँ पर उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे और फिर उनकी वफात हो गई थी। अंग्रेजी दौर की बनी हुई इमारत जिसमें कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बीमारी की हालत में क्याम फरमाया, ज़ियारत रेजिडेंसी कहलाती है, ठीक है। इस जगह को कहा जाता है ज़ियारत रेजिडेंसी। यहाँ क़याम के दौरान जो चीज़ें बाबाए कौम के ज़ेरे इस्तेमाल रहीं, बाबाए कौम किसे कहा जाता है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिना को। और उनके ज़ेरे इस्तेमाल जो चीज़ें रहीं, यानी जो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की वहाँ रहने के लिए के दौरान जो उन्होंने इस्तेमाल की थी, वो इस इमारत में महफूज कर दी गई हैं। और इस इमारत को कौमी वर्षा करार दिया गया है, यानी इस इमारत को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुल्क का कोई भी इंसान हो, भले वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो बन जाए, लेकिन वो इस कायद आजम रेजिडेंसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि ये कौम को विरासत में मिली हुई है। यानी ये विरासत दर विरासत आगे, कौम दर नस्ल दर नस्ल आगे चलता रहेगा, लेकिन इसको कोई यूज नहीं करेगा। ज़ियारत के इर्द गिर्द भी बहुत से खूबसूरत मकामात हैं, जिनमें कोहे खलीफत की बुलंद तरीन चोटी, यानी एक पहाड़ का नाम है, जैसे K2 है, ठीक है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी है, बुलंद तरीन चोटी है। और फिर उसके बाद देखो, यह खलीफत भी बुलंद तरीन चोटियों में से एक चोटी है। और संडमन तंगी का आबशार खसूसन काबिले जिक्र है। तंगी को देखकर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ किसी वजह से शक हो गया हो, यानी पहाड़ आपस में से किसी तरीके से टूट गया हो, दरमियान में उसकी शक पड़ गई हो, ठीक है। उसके अंदर दाखिल हो तो आगे किसी हद तक अंधेरा हो जाता है, अंधेरे से आगे निकले तो रोशन जगह पर छोटा सा खूबसूरत आबशार नजर आता है। आबशार कहा जाता है ऐसी जगह को कि ऊपर बुलंदी से, जहाँ पानी, कुदरती पानी जो है वो बुलंदी से नीचे गिर रहा हो, तो उसे आबशार कहा जाता है। जैसे ये देखें, यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है। इस आबशार के पानी से करीब के बागात को सैराब किया जाता है, यानी वहाँ के लोग इतने ज्यादा मेहनती हैं कि वो उस पानी को जाया नहीं होने देते, बल्कि वो पानी जब वो गिरता रहता है, वो कुदरती पानी है, वो खत्म नहीं होता, ठीक है। ये कुदरती पानी है, ये खत्म नहीं होता है, तो ये पानी
इस पानी, उन्होंने इसके आसपास फलों के बागात वगैरह लगाए हुए हैं कि जिसके जरिए जिनको ये इस पानी के जरिए से सैराब करते हैं। आबशार वाले मुकाम से ऊपर चढ़कर आगे जाना मुमकिन नहीं है, यानी यहाँ से हम ऊपर चढ़कर नहीं जा सकते। इसके अलावा जिंदरा, अहमदून, मू और गोगी यहाँ की इंतहाई जरखेज वादियां हैं। जियारत को बजा तौर पर फलों की वादी कहा जाता है। किस चीज की वादी कहा जाता है? फलों की वादी, क्योंकि वहां पर फल ज्यादा तादाद में होते हैं। यहाँ सेब, खुबानी, अंगूर, अनार, आड़ू और चेरी के बागात कसरत से हैं। यहाँ के फल जायके के लिहाज से दुनिया भर में नहायत नुमाया हैसियत रखते हैं, यानी दुनिया भर में भिजवाए जाते हैं यहाँ के फल। जियारत के मेहनती लोगों ने छोटी छोटी पहाड़ियों को हमवार करके बागात लगा रखे हैं। इसके अलावा नदियों के किनारों पर ये लोग पत्थर से दीवारें बनाते हैं। दीवारों को तेज पानी से महफूज रखने के लिए उनके दोनों तरफ दरख्त लगा देते हैं। ये दरख्त पत्थर की दीवारों को महफूज कर लेते हैं। फिर ये लोग दूर दराज से जरखेज मिट्टी लाकर हर चार दीवारी में भर देते हैं और उनमें फलदार दरख्त लगा देते हैं। इन बागात को छोटे बड़े चश्मों और नदियों से आने वाला पानी सैराब करता है। यानी वहाँ के लोग इतने ज्यादा मेहनती हैं कि वो जो नदी नदियाँ जो नदियाँ बह रही होती हैं, यानी छोटे 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 से जो अगर नहरें भी बह रही होती हैं, तो वो उसके किनारों पर पत्थर की दीवारें बना देते हैं और फिर उसमें वो दरख्त लगाने के लिए क्या करते हैं, मतलब वो उन दीवारों को तेज पानी से महफूज करने के लिए वो क्या करते हैं, दरख्त लगा देते हैं और फिर ये दरख्त पत्थर की दीवारों को महफूज कर लेते हैं, यानी वो फिर उन्हें गिरने नहीं देते हैं, ठीक है। और फिर वो मिट्टी लाकर उनमें फलदार दरख्त लगा देते हैं और फिर इन बागात को छोटे बड़े चश्मों और नदियों से आने वाला पानी सैराब करता है, यानी उन्हें पानी दिया जाता है और फिर उससे वो ग्रो करते हैं, वो जो दरख्त हैं। ज़ियारत के लोग पढ़े लिखे, शरीफ तबा और मेहमान नवाज हैं। शरीफ तबा यानी शरीफ तबीयत के लोग हैं, पढ़े लिखे, एजुकेटेड हैं, वो मेहमान नवाज हैं, यानी वो बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। अगर उनके उनके यहाँ कोई चला जाए तो वो सज्जी यानी एक पूरा जानवर जैसे बकरा है तो वो पूरा रोस्ट किया हुआ होता है, ठीक है, टाइप इस तरह की टाइप का होता है वो। और लांदी, लांदी इस तरह की डिश है, ठीक है। और रोस्ट यानी रोस्ट यहाँ के मशहूर पकवान है जो खाने में बड़े मजेदार होते हैं। ये है कि आपने सबक वादी ज़ियारत की बुलंद फानी करनी है, यानी उसकी क्या करनी है, रीडिंग करनी है। उनमान का सफा बनाना है आपने, यानी कि टाइटल पेज बनाना है आपने। अल्फाज मायने और सवाल जवाब आपने अपनी कॉपी में करने हैं। चैप्टर ज़ियारत के सवाल जवाब और अल्फाज मायने, वादी ज़ियारत के अल्फाज मायने और सवाल जवाब आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछला तमाम काम आपने लिख लिया होगा। आप अपना काम स्कूल उजी पे पोस्ट भी कर दिया कर कीजिए और अपनी अटेंडेंस भी लगा दिया कीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।